इनक्लेव पार्ट टू में जैसा मैंने भी पहले बताया कि मौजूद हैं, अभी महिलाएं यहां पर आई हैं, लगातार अपना आक्रोश अपनी तख्तियों के जरिए जता रही हैं। आप पढ़ सकते हैं उनके ऊपर कि क्या लिखा है। अपने सहयोग से कहेंगे कि सड़कें व नालियों की समस्या, आने जाने की समस्या, बिजली की समस्या, तो इन महिलाओं से जानने और बात करने की कोशिश करेंगे। बहन जी, क्या मूलभूत यहाँ पर सुविधा नहीं दी जा रही? अरे यहाँ पर तो सुविधा कहाँ दिख रहा है, कुछ सुविधा तो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ नानी वाला पानी इतना खड़ी है, कोई जा नहीं पाता है, ना गाड़ी घोड़ा जा पाती है। आपने तो लिखा है सड़कों की सुविधा, क्या क्या समस्या है सड़क नालियों की? वो जो पानी जमा है, सड़क बनी हुई नहीं है, उसके नानी डलवाई है, बिजली रात भर कहाँ, दिन भर बिजली नहीं रहता है, एक घंटा बिजली आती है तो कट जाती है। 24 घंटे में 1 घंटा बिजली आती है, और क्या, 1 घंटा वो भी मुश्किल से आती है। कहीं खंभा गिरे पड़ा है, बच्चे सब स्कूल आता है तो गिर पड़ते हैं, उसको मतलब 2-4 बच्चे गिरने के बाद तो 10 बच्चे स्कूल आता ही नहीं, डर के मरे। बिजली की क्या समस्या है बहन जी? बिजली की समस्या है कि 2-3 घंटा कटी रहती है, वोल्टेज नहीं आता है, अप डाउन करता रहता है, 2 घंटा रहता है तो 2 घंटा नहीं रहता है। लाइट नाली के आने जाने की क्या समस्या है बहन जी? समस्या यही है कि बच्चे लेके जाने के बाद लोग गिर जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। बच्चे क्यों नहीं जाते स्कूल? स्कूल गिरने के चढ़ते नहीं जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं ठीक ना होने की वजह से। आपको क्या समस्या है बहन जी? ये रोड बिल्कुल खराब रहती है, हम लोग डेली गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं, फिर यहाँ नाली में जहाँ तक मच्छर जमा हो जाती है, मच्छर जमा हो जाते हैं, मच्छर बच्चे को तबीयत खराब हो जाती है। यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है, भागना पड़ता है, कोई रात को तबीयत खराब हो गया, इमरजेंसी पड़ जाती है तो कैसे जाए यहाँ से हम लोग का। आप क्या कहना चाहेंगे बहन जी? मेरे तो घर के सामने ही पानी रहता है, बच्चे सब ऐसे घर में भी पानी घुस जा रहा है, इतना घर में पानी चला रहता है बरसात। क्या कहेंगे माता जी? हम लोग के वही नाली चाहिए, रोड चाहिए, जो रोड बन जाए, नाली बन जाए, जो बच्चे सके स्कूल जाने में सुविधा हो। आप क्या कहना चाहेंगे बहन जी? हम यही कहें नाली पानी की सुविधा हो, रोड अच्छा हो, रोड जाए आए, बच्चे गिरता है, आदमी लोग गिरते हैं, हाथ पैर टूटते हैं, बहुत कीचड़ होते हैं, इकलने में बहुत परेशानी होते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? वही बात, यही समस्या है। और आप भी बताएंगे आपकी क्या समस्या है बहन जी? सर एक दिन स्कूल जाते बच्चे, 5 दिन नहीं जा पाते, क्यों? क्योंकि एक दिन जाते नाले खाती लड़ाई होती है, डेली पानी नहीं निकल पाता है, बारिश होती है, डेली इधर उधर से लड़ाई इन्हीं टाइम होती रहती है, पानी खाती ज्यादा से ज्यादा नाला निकलवा, बारिश हो जाती है तो भी बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है, स्कूल तो बंद ही हो जाते हैं एकदम, जहाँ बारिश हुई पानी भर जाता है तो बच्चे नहीं जाते स्कूल। और निकास की जरूरत है, पानी निकास, सबसे पहले पानी निकास की जरूरत है, रोड उसके बाद बने, पहले नाली बन जाए, ठीक है? मतलब क्या सुविधाएं होनी चाहिए आपके इलाके में? देखिए सबसे बड़ी समस्या अभी रोड की है, रोड में गड्ढा है, गड्ढे में पानी भरा है, यहाँ कई बार लोग आए और नारियल फोड़ के चले जाते हैं, कल शुरू होगा, परसों शुरू होगा, और एक दो बार खुदवाए रोड खुदवा के और उसमें सीवर डलवा दिए, कभी खुदवाए तो पाइप डलवा दिए, उसके बाद कोई पता नहीं कि काम क्यों नहीं हुआ। वो लोग हैं सो कभी सीवर कभी पाइप के डाल देते हैं रोड के अंदर, विकास के नाम पे कुछ नहीं हो पा रहा, विकास नाम का कुछ भी नहीं हो पा रहा है, नाली पानी है, बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। जबकि सब जगह बीजेपी है, तीनों सीट बीजेपी की है, लेकिन हम लोग एक नाली के कीड़े के समान रह रहे हैं, नेता लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इंसान नहीं है, परेशानी में रह रहे हैं, हम लोग का सरकार ध्यान नहीं दे रही है, हमारे बच्चे के भविष्य खराब हो रहा है, और हम लोग ऐसा नाली के कीड़े के समान हम लोग अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। और भी कुछ कहना चाहेंगे? बस देखना चाहेंगे अब यहाँ पर ये जनता में आक्रोश एक बार, और अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं जनता किस तरह यहाँ पर सड़कों पर आए उतरी हुई है, बाहर हैं लोग, महिलाएं बाहर हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़कों पर आई हुई हैं, गोद में हैं, और इनकी समस्याएं 15 साल से, किसी ने कहा 27 साल से, और किसी ने कहा 5 साल से, कुछ ने बताया 1 साल से, तो समस्याएं जो कि तो हैं, यहाँ क्या मामला संज्ञान में लिया जाएगा, कहना चाहेंगे यहाँ के मौजूदा विधायक से और सांसद से कि मामले को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द इन जो जनता की समस्या है उसका समाधान करें। इस समय हरियाणा विधानसभा के फरीदाबाद शिव इनक्लेव पार्ट टू में विकास की खोज में हुनकार मीडिया की टीम निकली है। आप देख सकते हैं यहाँ जनता को, हम इस समय मौजूद हैं 20 नंबर गली में, जहाँ पर जनता में भारी आक्रोश, बिजली की, रोड की समस्याएँ, क्या मूलभूत सुविधाएँ इन्हें पिछले 5 सालों में 10 सालों में मिली और किन चीज़ों से वंचित रखा गया इस एरिया को, यहाँ स्थानीय निवासी मौजूद हैं, उनसे जानने और बात करने की कोशिश करेंगे। सर इस समय जो हमारी टीम यहाँ पहुँची है शिव इनक्लेव पार्ट टू में, अभी काफ़ी यहाँ जनता नज़र आ रही है, तो क्या कहेंगे पिछले 5 साल का कार्यालय कैसा रहा यहाँ का? बहुत बेकार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे लिए आए, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत उसका आभारी हूँ मैं।
और मैं कहना चाहता हूँ करीब हमारे को 15 साल के करीब हो गए हैं और इस उसमें कुछ भी नहीं देखा। यहाँ पे आप भी आए हो, आपने भी देखा होगा किस तरीके के हालात हैं यहाँ पे। ना पीने का पानी है, ना सीवर है, ना रोड है, ना सड़कें हैं, ठीक है। पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, कोई काम नहीं किया, सिर्फ नारियल फोड़ के चले जाते, बता देते हाँ जी काम हो जाएगा, उसके बाद में 0/0 काम है इनका। आक्रोश है और पूरी हमारी जितनी भी ये कॉलोनी सीवन क्लिप की, पूरे बंदे को बुलाएं, बिठाया है, इसीलिए हमने कुछ ना कुछ करने का हमने वो किया है। तो क्या 5 साल में आपने भी कहा कि नारियल फोड़कर चले, काम क्या हुआ पिछले 5 साल में वो बताइए। कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ, कुछ काम नहीं हुआ। बच्चे परेशान हो जाते हैं, स्कूल जाते वक्त में दिक्कत आ जाती है, बच्चों को गोद में लेके जाना पड़ता है, कंधों पे टांग के लेके जाना पड़ता है स्कूल, उसके बाद में ऑफिस के लिए निकलते हैं, आगे चल के इतने इतने हालात खराब हो जाते हैं, बाइकें पड़ जाती हैं, महिला गिर जाती है, और ना मंदिर में जाने के लिए जगह है, ना किसी चीज़ के लिए, इन्होंने कुछ नहीं कर रखा काम। तो इन 5 साल में और भी लोगों से मालूम और जानने की बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर रहे पिछले 5 साल? सर पिछले 5 सालों में यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, पिछले हमें करीबन 15 साल हो गए रहते रहते, पिछले 15 साल में यहाँ पर ये भी नहीं है कि कुछ। 15 साल में? हाँ जी 15 साल में कई गवर्नमेंट आ गई, काफ़ी गवर्नमेंट आ गई और काफ़ी गवर्नमेंट चली गई। काम अगर ये लोग कराते भी हैं तो थोड़ा सा काम स्टार्ट कराते उसके बाद बंद। आप देखोगे कोई भी हर साल कोई ना कोई चीज़ का उद्घाटन करते हैं, हर चीज़ का उद्घाटन करते हैं। पीछे अभी 3-4 साल पहले यहाँ पर सीवर लाइन खोदी गई, बट बड़े बड़े गड्ढे करके उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया, उसमें बच्चे गिर रहे हैं, बाइकें गिर रही है, लोग बागों की इतनी प्रॉब्लम है कि लोग बाग परेशान हुए पड़े। आखिर क्या वजह रही जो इस शिव इनक्लेव पार्ट 2 को वंचित रखा गया पिछले 5 साल में मूलभूत सुविधाओं से? सर यहाँ पे बहुत नेता आए गए लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आप लोग गए हैं विधायक प्रतिनिधि के पास, उनसे बात किया आपने? राजेश नागर खुद यहाँ पे आए थे जहाँ खड़े हैं ना राजेश नागर जी आए थे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, इसी चौराहे पे आए थे लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ, नहीं हो रहा बिल्कुल। 2 साल पहले विधायक जी यहीं आए थे, बोल के गए थे, सारी घोषणा करके। हाँ लेकिन कुछ भी नहीं, बिजली लगेगी, सड़क बनेगी, सीवर पड़ेगा, विधायक राजेश नागर यही इसी चौराहे पे खड़े हो। सर लाइटें तो लग रही हैं यहाँ पे, खंभे हैं, खंभे हैं, लाइटें लग रही हैं, जरा गर्मी में आइए फिर देखिए। लाइट प्रॉपर आती है यहाँ पे? बहुत कम आती है, बहुत कम आती है। वोल्टेज की क्या समस्या है यहाँ पे? वोल्टेज अप डाउन होते हैं सर, रात में तो खासकर बहुत ज्यादा ही अप डाउन होते हैं। ये अगर चला गया तो रात भर ऐसी रहो, दिन भर भी ऐसी रहो, लाइट चली गई तो दो दो तीन तीन दिन बाद दो दो दिन तीन तीन दिन लाइट नहीं रहती, लाइट दो दो तीन तीन दिन नहीं आती। दिल्ली से सटा हुआ एक ऐसा इलाका जहाँ अभी स्थानीय निवासी ने कहा कि 2 से 3 दिन लाइट यहाँ पर नहीं आती। आप आए जैतपुर से तो 2 मिनट का रास्ता है यहाँ पर आने के लिए, 1.5 से 2 किलोमीटर का ये इलाका है, ये कह रहे हैं 2 से 3 दिन लाइट यहाँ पर नहीं आती। और भी जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया? यहाँ पे कुछ लाइट उठ गया, कोई हमेशा परेशानी रहता है, रोड वोड बन नहीं रहा है, ये कॉलेज बच्चे को कॉलेज जाने उन्हें में बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा। पढ़ाई लिखाई में बस ये तो क्यों, क्या वजह रही जो इस इलाके को वंचित रखा जा रहा है? अब ये तो सर सरकारें जाने ना। अच्छा। क्यों ये आप लोग गए कभी उनसे बात किया? हाँ खुद ही यहाँ आए थे, यही भाषण दे के चले जाते हैं। अच्छा और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे जानने बात करने की कोशिश करेंगे। बहन जी और क्या समस्या है यहाँ पे रोड को लेकर, बिजली पानी को लेकर? यहाँ सारे समस्या यही है, ना पानी, ना बिजली, ना स्कूल, कॉलेज तो दूर जाए, स्कूल तक नहीं है, ना हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं है, और जो रास्ता है वो रास्ता में पानी भरा रहता है। हम लोग जब निकलते हैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि गिर के कपड़े गंदा होता, घर आना पड़ता है। जब बारिश आती है तो हम स्कूल बच्चे को नहीं भेजते क्योंकि यहाँ सड़क पर पानी भर जाता है जब बारिश आती है। जी पानी भर जाता, बस हमारी घर में नहीं भरता और गली रोड सब में पानी भर जाती है, सब पूरा पानी भर जाता है, पानी भर जाते हैं, और हमें पीने का पानी भी नहीं मिलता है, लाइट कट जाती है, हमारे बच्चे नहाने तक ना नहाते हैं, ना हमारे आदमी लोग ड्यूटी जा पाते हैं पानी बगैर। लाइट कटती है तो 24 घंटा लाइट नहीं आती है, हम लोग बहुत परेशान हैं। लाइट के अलावा आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ कहीं यहाँ पर नाली बनी हुई नजर नहीं आ रही, और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या समस्या है यहाँ के पानी की निकासी की? समस्याएं बताने के लिए बहुत सारी हैं, जितनी कहोगे उतनी कम नजर आएंगी आपको। आप यहाँ से वहाँ तक देखें, पूरा कैमरा को जरा आप जूम करके वहाँ तक दिखाएं, कोई भी रोड, कोई भी सड़क, कहीं पर भी किसी तरह का आपको नामोशान नहीं पता चलेगा। सबसे बड़ी बात ये पता नहीं है कि रोड में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, या गड्ढे में सड़क है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं उन सभी से वंचित हैं। हमें नहीं पता कि हम शहर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, गांव यहां से बहुत अच्छे हैं,
यहाँ पर आप देखें कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा। सबसे बड़ी बात है हमें ऑफिस जाने के लिए बड़ी तकलीफ होती है, समस्याएं होती हैं। आप यहाँ से निकल के जाएंगे पानी इतना भरा होता है, आप आगे निकल के जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे पैंट गंदी हो या फिर जूते गंदे हो गए, सज धज के निकल के जाते हैं, बाकी बाहर जाके बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। सो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जहाँ से हमें वोट मिलते हैं, जहाँ से हम राजनीति करते हैं, एटलीस्ट उस जगह को हमें कम से कम एक स्तर से थोड़ा सा ऊँचा उठाना चाहिए। हमारी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है यहाँ पर, सिर्फ इतनी डिमांड रहती है कि भाई जो कम से कम एटलीस्ट हमारी एक यू नो, अगर हमारे कर्तव्य अपना पता है तो हमारे अधिकार भी हमें पता होने चाहिए। हमें अपना अधिकार पता है कि हमारा ये अधिकार कि हमें कम से कम अच्छी सड़क पर हम चलना चाहिए। साथ ही साथ पानी है, बिजली है, और यू नो सड़क है, और आपका स्कूल है, कॉलेज है। आप देखो कहीं पर मंदिर नहीं है, कहीं कॉलेज नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है, बच्चे जाते हैं तो दूर जाते हैं। मेरा बेटा सेक्टर 28 में जाता है, अब यहाँ से जाने के लिए उसको 1 घंटा लग जाता है आने जाने में। सो एटलीस्ट कम से कम ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कम से कम एक स्कूल अच्छा बनवाया जाए। इनक्लेव की इसी 20 नंबर गली में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं, पूरे पानी के अंदर यहाँ घास उग रही है और यहाँ काई जम गई इस पानी के अंदर। यहाँ हो सकता है डेंगू के अलावा भी पनप रहा हो, स्थानीय निवासियों से बात करते हैं। यहाँ 3 फुट पानी हो जाता है सर, यहाँ इतना डेंगू का प्रकोप होने वाला है, लावा बन रहे हैं कि पूछिए मत, यहाँ बीमारी का घर बन रहा है। और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई नाली नहीं है, पानी का निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तीनों गली का पानी इकट्ठा हो जाता है, बारिश होता है तो यहाँ 3 फुट पानी ऊपर हो जाता है, बच्चे सब स्कूल नहीं जा पाते हैं, मच्छरों से नहीं पाते। ये घरों का पानी कहाँ जाता है सर? घरों का पानी तो सब अपना अपना सोखता बना रखे हैं, थोड़ा बहुत बारिश के टाइम ही इकट्ठा होते हैं तीनों गली का पानी। लेकिन यहाँ पर कोई सरकारी नालियाँ नहीं बनवाई गई, कुछ नहीं है? कोई नाली नहीं है सर, कोई सुविधा नहीं है। कई बार विधायक आए यहीं स्कूल के पास, उद्घाटन करके गए, लेकिन आज तक घूम के कोई काम नहीं किया। क्या विधायक साहब ने काम किया यहाँ पे? कुछ भी नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। चक्कर यहाँ पर नाली है, नाली कुछ भी बनी नहीं है, नाली रहती थी पानी इकट्ठा, जो सामने दिख रहा वो इकट्ठे नहीं होता, जो कि इकट्ठे की वजह से यहाँ पर मच्छर पैदा हो रहे हैं। बच्चों को क्या, सभी को बुखार पकड़ रहा, किसी को डेंगू मलेरिया ऐसा हो रहे हैं आजकल। नालियाँ बन जाए, दवाई डाली जाती है इस पानी के ऊपर? कोई नहीं, कोई आज तक डालने नहीं आया, कोई दवाई नहीं, जीरो दवाई के नाम पे कोई डालने आज तक नहीं आया, कोई विधायक नेता कोई आते लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, नेता लोग, पर कुछ काम नहीं करते हैं आप सर। तो स्थानीय निवासियों में आक्रोश है, और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर आखिर कब तक चलेगा इस तरह, ये बताएं आप। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने ये पानी दिखाया? जी जी सर। आपने पानी देखा, कितने दिन हो गए बारिश को गए हुए? यहाँ पे आपने देखा हॉस्पिटल की सुविधा नहीं, अगर किसी पेशेंट अगर हो जाए, या एम्बुलेंस नहीं है, ये टैक्सी गाड़ी खड़ी है, आप देखो ये कैमरेमैन दिखाएंगे, ये टैक्सी गाड़ी खड़ी है, अगर अचानक यहाँ बारिश हो जाती है, ये गाड़ी निकल के नहीं जा सकती, कोई पेशेंट यहाँ तड़प तड़प के मर जाते हैं, हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचते, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती। तो आप एक बात बताओ, ये रास्ता क्लियर नहीं होगा, गलियों के सामने लोग बुलाते हैं गाड़ी, कहाँ से जाएगी गाड़ी, एम्बुलेंस आने की नहीं, कॉल यहाँ करो, किसी को भी फ़ोन करो, लाइट वाले को फ़ोन करो, तो पहले उसे चाय और ठंडे के लिए पैसा चाहिए, पहले चाय और ठंडे के लिए एग्री होंगे तब यहाँ खम्भे जुड़ते हैं। तो वो चीज़ देखो, यहाँ 3-3 दिन तक बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, क्या पढ़ेंगे, क्या यही सोच है, यही बच्चों का ग्रोथ है, आप ही बताओ। और आप देख लो, ये आपके सामने पूरी कॉलोनी है, यहाँ मैं तो कहीं नया हूँ, कोई बात नहीं, मुझे 1-2 साल हुई है, मगर हौसला देख के आया कि यहाँ कुछ ना कुछ होगा, मुझे तो लग नहीं रहा, मैं अपने रिटर्न देख रहा हूँ जी। तो और भी यहाँ पर जो है, हाँ क्या कहना, आप यहाँ पे ये कॉलोनी पूरी देख सकते हो, कितनी पॉपुलेशन है सर इस कॉलोनी की? इस कॉलोनी के ये गलियों को छोड़ो, इसकी करोड़ों आदमी निकलेंगे, यहाँ के करोड़ों आदमी होंगे, अरे करोड़ों नहीं तो करोड़ों के आसपास होंगे, और आगे करोड़ों होंगे भाई, आगे 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं, 2.5 से 3 लाख लोग रहते हैं। सर ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतना दिल्ली से सटा हुआ इलाका, जैसे मैंने भी पहले बताया था कि दिल्ली से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर यह इलाका शिव इनक्लेव पार्ट 2 के नाम से जाना जाता है, समाज सेवी हैं यहाँ के और काफ़ी कुछ करते रहते हैं, संघर्ष करा है इन्होंने यहाँ पर, तो इनसे जानने की बात करने की कोशिश करते हैं। सर अब विधानसभा के चुनाव करीब हैं और सभी लोग आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, अभी आप क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे मौजूदा विधायक सांसद और यहाँ के पार्षद? सांसद से और विधायकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम भी इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम इंसानों की भी कुछ कदर हैं, ठीक है, हम तो चलो बड़े हैं झेल लेते, पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होता है, यहाँ पार्क नहीं है खेलने के लिए, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चियाँ गिर जाती हैं आए दिन। हाँ एक बात मैं कह सकता हूँ, बीजेपी सरकार ने विकास किया है, ऐसी बात नहीं विकास नहीं किया, किस चीज़ का विकास किया है, 500 मीटर 1-1 किलोमीटर पर ठेके खोल दिए,
आप वहां से लेकर वहां तक चले जाओ, 500 मीटर में, 1-1 किलोमीटर में जगह जगह आपको ठेके दिखाई देंगे, और उसके बाद में क्या दिखाई देगा, पियो पिलाओ और सो जाओ। बहन बेटी आ रही है, छेड़ा खानी होती है, ठीक है, फोन छीन लेते, और दूसरी बात चर्सी मिल जाते हैं, और आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ हादसे होते ही रहते हैं। पुलिस वालों के पास जाते, अभी क्या हुआ था, बीच में एक भाई की मोटरसाइकिल चोरी हो गई, हम कंप्लेन लिखाने गए, पुलिस वाला वो चौकी इंचार्ज क्या कहता है, अरे भाई अपनी कॉलोनी की खुद सुरक्षा करो, खुद वहाँ पे पहरेदारी करो, बंदा आएगा काम करके हारा थका आएगा, सोएगा या पहरेदारी करेगा वहाँ पे अपनी चीज़ों की, कोई बैटरी चोरी हो जाती है। एक भाई की क्या हुआ, नई गाड़ी लेकर आया, नई गाड़ी के बाद में क्या करा, चारों चक्के उसके उतर गए, पत्थरों पे गाड़ी खड़ी रही, ठीक है, ना कोई बहुत प्रशासन बहुत ढीली है, और बिल्कुल भी कोई वो ही नहीं है, 1200-1000 किलोमीटर लोग बाग छोड़ के आए हैं यहाँ पे। ये जनता क्यों बैठी है इतनी सारी, हम देख रहे हैं अपने के सहयोगियों से कहेंगे, ये जनता क्यों इस तरह बाहर बैठी है, क्या हो रहा है सर यहाँ? जनता को आक्रोश है, गुस्सा इतना फूट, हकीकत में यहाँ कोई आ जाए ना नेता, उनको चप्पलों से स्वागत हो जाएगा, इतना गुस्सा है उनको। तो जनता को किस चीज़ का आक्रोश है सर? जनता को मेन चीज तो एक ये संडे बाजार से लेके और यहाँ तक की जो सड़क है, मुश्किल से 900 मीटर की सड़क होगी, ठीक है, 900 मीटर की सड़क पे इतना बुरा हाल हो जाता है। अभी बीच में क्या हुआ था, रात के दिन में, रात के टाइम में एक मरीज की तबीयत खराब हुई, हमने उबर बुक करी, नहीं आई, है ना, मतलब भैया यहाँ पे आना सिविल क्लब, भैया रास्ते खराब है मेरी, तो वहाँ पे सोकर लटक जाएगा, ही हो जाएगा, ऑटो को बोला ऑटो मना कर देता है, एम्बुलेंस वाले तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, वो कहते हैं हम तो NIT में, 500 हॉस्पिटल में, इतने में तो मरीज राम राम सत हो जाएगा, ठीक है, सीधा मने है यहाँ पे, किसी भी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, एक स्कूल दे रखा है, उसके बहुत बुरे हालात हैं, ठीक है, हाँ, जितना भी कूड़ा कचरा है सारा का सारा दुर्गा बिल्डर में, पहले लोग बाग जाते थे मॉर्निंग वॉक पे, अब जाके वहाँ पे बदबू सूंघने के मिल जाती है वहाँ पे। जनता देखिए, आप ये होल्डिंग लेकर आई है जनता, स्थानीय निवासियों ने लिखा है इसके ऊपर, सड़कें व नालियों की समस्या, बिजली की समस्या, तो लगातार जनता देखिए आप इस तरह आक्रोश, हाथ में तख्ती लेकर वो अपना जो है अपना आक्रोश जता रहे हैं वो, कि भाई इस तरह हो रहा है। और क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार यदि सुनती है हमारी तो समय पहले जो ये सड़क है, इस सड़क को कम से कम ठीक कर दे, ठीक है, बेशक हमारे घरों में जैसे भी हम चलो 10 साल 20 साल 50 20 साल तो कम से कम हमारे 27 साल हो चुके हैं जब से लेकर अभी तक, इतने से इतने बड़े हो गए, पर आज तक हमने देखा नहीं है कोई यहाँ पे नेता आके, हाँ आए नेता ऐसी बात नहीं है, आए सिर्फ अभी क्या सुविधाएं चाहते हैं सर, ये हम मेन चीज तो ये सड़क बन जाए हमारी, और दूसरी बात जहाँ पे ये बिजली की सुविधा हो जाए, लाइट रात में भी 3 घंटे बाद आई है लाइट। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।